आज हम बनाएंगे गुजरात और राजस्थान की फेमस रेसिपीज में से एक सेव टमाटर की सब्जी, जो बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको झटपट बनने वाली रेसिपीज चाहिए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेंगी और टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। सारे मसाले बेसिक हैं, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें एक कप सेव चाहिए, जो इस तरह से दिखता है। इसे गाठियाँ भी कहते हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। कई सारे फ्लेवर में ये मिल जाता है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा फ्लेवर वाला गाठिया लिया है। अब सबसे पहले हम एक कूटनी लेंगे, जिसमें 4 से 5 कली लहसुन ऐड कर दीजिए। आधा इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है मैंने, और इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी में इस तरह से ऐड करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया है, ये देखिए। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून घी। इस रेसिपी को आप घी में ही बनाइए, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। घी हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटी चम्मच ज़ीरा। दोनों को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए घी में और ये दोनों चटक जाए। तो यहाँ पे मिला लिया मैंने। जैसे ही जीरा और राई भून जाए, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किया है। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन, जिसे हमने क्रश करके रखा था, और इन दोनों को हमें साथ में ही भूनना है। प्याज का रंग हल्का गुलाबी हो जाएगा, इतने में अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून जाएगा। इस तरह से अदरक लहसुन को ऐड करने से ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये ट्रिक आप किसी भी रेसिपी में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो 2 छोटे साइज़ के टमाटर को मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है, क्योंकि टमाटर को हमें पूरी तरह से मैश करते हुए पकाना है, तो इसके लिए इसे रफली चॉप किया है। एक बार मिलाने के बाद सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसके साथ ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड कीजिए स्वाद के अनुसार नमक, इसी से नमक ऐड कर दीजिए। अब डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने जिस कूटनी में मैंने अदरक लहसुन को कूटा था उसी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, लगभग 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे ताकि हमारे सूखे मसाले जले ना और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारे सूखे मसाले में जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो कवर कर देते हैं इसे। तो लगभग 5 मिनट के बाद मैंने लेड हटाया। अब चेक कर लेते हैं कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से मैश करते हुए आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, साइड से घी भी सेपरेट हो रहा है। तो अब हम लो फ्लेम पे इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए और भूनेंगे, ताकि मसाले की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए मैं भून रही हूँ, और लास्ट में आपको टेक्स्चर दिखाऊंगी इसका, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें टमाटर का चंक्स है, ये देखिए। तो अच्छी तरह से हमारा मसाला भून चुका है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि मसाला भून जाए, उसके बाद ही आप इसमें दही ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लीजिए, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें दही ऐड कीजिए। इसे दही कभी नहीं फटेगा। अब इसे आपको तब तक मिलाना है जब तक आपको ये ना लगे कि मसाले में दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और एक क्रीमी सा टेक्स्चर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए लगातार मैं इसे चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ, गैस का फ्लेम भी लो है। और यहाँ पे देखिए लगभग 1/2 मिनट के बाद अच्छी तरह से दही मिल चुका है मसाले के साथ। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने रफली चॉप करके ऐड किया है, और इसके साथ ही बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इस स्टेज पे ये दोनों ऐड करने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो हरी मिर्च को पहले भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अब इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली बनती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। तो 1 कप और ये 1/2 कप। अब मिला लेंगे मसाले को पानी के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गया। जैसे ही बॉयल आ जाए,
बॉयल आने के बाद इसे लगभग एक मिनट के लिए और पकाइए ताकि घी पूरी तरह से ऊपर आ जाए। जैसे ही घी ऊपर आ जाएगा हम इसमें सेव ऐड कर देंगे। तो अगर आपको इसे तुरंत सर्व करनी हो तब इसमें सेव ऐड करके इसे मिक्स कीजिए इस तरह से, और मिलाने के तुरंत बाद गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको बाद में इसे सर्व करनी हो तो सेव को ऐड मत कीजिए, नहीं तो वो काफ़ी सॉगी हो जाता है। तब आप इस स्टेज पे ग्रेवी बना के रख लीजिए, और जब आपने सर्व करना हो तो ग्रेवी को हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें सेव ऐड कीजिए और इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये झटपट बनने वाली रेसिपी टेस्ट वाइज भी बहुत लाजवाब होती है, तो इसे बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है थोड़े से गाठिया के साथ। इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कीजिए, ये सबसे ज़्यादा उसके साथ टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।